नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। जसपुर स्थित लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बाजपुर में तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की पहल, जगह जगह लगाया जाएगा ट्रैफिक चौपाल। बाजपुर में व्यक्ति की पगड़ी उतरने पर हंगामा, लोगों ने किया प्रदर्शन। कॉर्बेट के जिप्सी चालकों ने सौंपा निदेशक को ज्ञापन। ट्रैवल एजेंटों पर फर्जीवाड़े का आरोप। नैनीताल दुग्ध संघ का वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन आयोजित। खटीमा में SDM ने दिए अवैध कब्जा हटाने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड स्थित यूनियन बैंक के सामने एक लकड़ी के कारखाने में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की चपेट में आकर एक कार व दो बाइकों समेत आसपास फलों के ठेले भी जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कारखाने मालिक का कहना है कि आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मोहम्मद यासीन, मोहल्ला नई मछली, नया मछली बाजार, जसपुर। कारण का तो पता नहीं सर, बस रात को हम छोड़ देते, पुलिस वालों ने आग उठाया, आग लग गई। इसमें बहुत सामान था, कम से कम एक 125 करोड़ रुपये का नुकसान है। ये लकड़ी का था सारा दारों का। फलों का काम था यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, गंदा मशीन थी, बहुत सारी मशीनें थी इसमें लगी। ये 3:50 पे हमें सूचना मिली, बाजार चौकी के सामने लकड़ी का एक कारखाना है, यहाँ पे आरा मशीन है, जिसमें कि सूचना मिली कि आग लग गई है। तुरंत मैं दो गाड़ियों को लेके घटनास्थल पहुँचा, तो आग की जो विकरालता थी उसको देखते हुए काशीपुर से और बाजपुर से तथा इधर सहोता पेपर मिल, नैनी पेपर मिल और सिद्धार्थ पेपर मिल से भी गाड़ियाँ मंगाई गई और इसको अभी तक पूरा कंट्रोल कर दिया गया है। कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है, बचा ले गया है पूरी तरीके से, लेकिन ये लकड़ी पूरी स्वाहा हुई। तक जो इनके तरफ से आंका गया है ये 1 करोड़ के लगभग बता रहे हैं। उसके बाद जो और इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कितना नुकसान। जी, जैसे हम 3:50 पे सूचना मिली तो हम 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद अभी करीब 7:30 बजे के करीब हमने पूरा कंट्रोल कर लिया गया है और गाड़ियाँ सभी वापस करवा दी गई हैं यहाँ के अभी रोके पर। लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, उसके बाद फिर भी जांच में पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुई। बाजपुर के बरहनी क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यक्ति द्वारा अवैध तमंचे से फायर करने का वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस युवक की तलाश कर रही थी, जिसके बाद आज पुलिस ने चनकपुर पुलिया के समीप 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा एक वीडियो हमको जो है उपलब्ध कराई थी, जिसमें एक लड़का खुशी में जो है वो एक अवैध तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दिया था, जिसमें बरेनी चौकी इंचार्ज को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि आपके क्षेत्र का मामला है तो आप इसमें जो है इस लड़के की ढूंढ खोज करें। तो ये चनकपुर बरेनी से एक लड़के को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसको 315 बोर का एक अवैध तमंचा जिसे वो फायर कर रहा था वो भी उससे बरामद कर लिया गया है। आगे की जो है विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जनपद में पुलिस द्वारा जगह जगह ट्रैफिक चौपाल का आयोजन कर लोगों की राय जानी जाएगी और सड़क हादसों में किस तरह से कमी लाई जा सकती है इस पर चर्चा की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
ये जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं इसकी वजह से हम लोग लगातार रोड इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, रोड का जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसका हम लोग ध्यान रखते हैं, अवेयरनेस अभियान चलाते हैं और साथ में एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी करते हैं। परंतु ये तीनों चीज़ों के साथ साथ एक नया कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ा हुआ एक नया अभियान जो है हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें हमारे निदेशालय यातायात की तरफ से हमें जो है निर्देश प्राप्त हुए थे और इसके आधार पर हम लोग ट्रैफिक चौपाल लगा रहे हैं मुख्य कस्बों और मुख्य शहरों में। इस ट्रैफिक चौपाल में हम पूरी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ हम वार्ता करेंगे, उनके जो भी समस्याएं हैं और जो उनके सुझाव हैं उनको हम लोग सुनेंगे, उसमें जो भी प्रैक्टिकल सुझाव होंगे उनको हम उनका अनुपालन करेंगे, जिससे कि एक्सीडेंट्स में कमी आए और यातायात भी सुगम तरीके से चल सके, जाम इत्यादि की समस्या ना हो। जिम कॉर्बेट की बुकिंग में ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी व फर्जी वाड़े का मामला सामने आया है, जहां कॉर्बेट की बुकिंग खुलने से पहले ही आरोपियों ने ढिकाला की ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। वहीं जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की है। संवाददाता कैलाश वेल की रिपोर्ट। पिछले 10 दिन से मैडम सबकी चोरी पकड़ी जा रही है और एक ग्रुप ये है ढिकाला 15 नवंबर से खुलता है बट ये 5 नवंबर की बुकिंग एडवांस में ही करके दे दी गई। इतना बड़ा ग्लिच कॉर्बेट से कैसे हो सकता है? कॉर्बेट ने दिल्ली से जुड़े हुए कॉर्बेट में काम करने वाले ट्रेवल एजेंट ये वेबसाइट जो है सिर्फ कॉर्बेट के जो अंदर लोग बैठे हैं वही खोल सकते हैं और ये बुकिंग 4 तारीख को कटी जबकि कॉर्बेट की जो ऑफिशियल बुकिंग कॉर्बेट की खुली थी 3 तारीख को खुली थी ढिकाला के लिए। तो 4 तारीख को 7 बजे परमिट बुक हुआ है तो इसमें तो मिली वक्त कॉर्बेट के अंदर की भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ग्लिच हो गया, ऐसा हर बार ग्लिच होता रहेगा। ऐसा कुछ इतनी बड़ी वेबसाइट चल रही है NIC के थ्रू, या तो NIC मिली या फिर कॉर्बेट प्रशासन मिला हुआ है, इनमें से कोई ना कोई है। जब बुकिंग होने का टाइम आता है तो हम लोग रामनगर वाले कुछ नहीं मिलता है, सारी बुकिंग ऑटोमेटिक फुल हुई भी होती है, हम लोगों हमेशा बाबा जी का ठुल्लू हाथ में आता है। और ये पता नहीं कब से करोड़ों का स्कैम है ये। अभी एज इफ नाउ जो हमारी बुकिंग ढिकाला ही खुली है वो 14 फरवरी तक की खुली हुई है। बस गेस्ट को किसी एजेंट ने या किसी भी 420 करने वाले ने 15 फेब की बुकिंग करके दे दी और इसकी 22 फरवरी की बुकिंग भी डन हो चुकी है और इस गेस्ट से 40,000 एक रूम का चार्ज किया गया है। और इस तरीके से पता नहीं कितनी बुकिंग और हो गई है जो कि अभी तक पता नहीं थी, बट अब आज ये संज्ञान माया तो हमने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें नामजद हैं, अभी हमें नाम पता नहीं लेकिन हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जो भी नामजद होंगे उनके खिलाफ भी हम खुले नाम से FIR करने की कोशिश करेंगे कि जो इतने हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ट्रेवल एजेंट है कुछ, उनके एक का नाम तो सामने आया सौरभ नाम करके है और एक लड़की का नाम आया जिसका नाम दिव्या है। देखिए इनके कई मुद्दे हैं जो हमारे सामने आज इनके प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में पूर्व में भी हमें कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिसमें कुछ बिंदुओं पर हमने कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। इनमें से जो भी बिंदु हमें ऐसा लगेगा जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है उसे तत्काल अमल में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो परमिट जारी हो रहे हैं सफारी से संबंधित और बुकिंग से संबंधित उसके संबंध में भी इनके द्वारा एक बिंदु हमारे संज्ञान में लाया गया है जिसकी प्रत्यक्ष से अलग से जाँच कराई जा रही है और उसमें एक्शन लिया जाए। हाँ अभी इसमें जाँच के बाद ही फिर निर्णय करेंगे, अगर पाया जाता है कि बुकिंग गलत हुई तो निरस्त किया जाएगा। केलाखेड़ा थाने में पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान पति के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति की पगड़ी उतरने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते केलाखेड़ा थाने के सामने आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। तो प्रधान पति गए तो उनके द्वारा तो ये चीज की गई है कि ये प्रदर्शन करना ये लगाना, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत ही नहीं। रात को ऐसा सब ठीक है जी, मेरे भतीजे को पुलिस वाले पकड़ के लाए और फिर उन्होंने फोन किया, हमने विधायक मंत्री महोदय को फोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा दो चले जाओ और जमानती करा लो, दो आधार कार्ड ले जाओ। तो प्रधान लड़का मेरा आया जमानत के लिए और गणेश पांडे जी अंदर घुसते ही उन्होंने खदेड़ना चालू कर दिया, पीछे धक्का मारना चालू कर दिया। इतने में हमारे भाई लोग ये आ गए, बिट्टा जी आ गए, हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष महोदय जी आ गए राजशेखर बिरादरी के और सब यहाँ पर हम रात के बैठे हैं तो वहाँ बैठे धरने में तो वहाँ पर आके मुझसे बदतमीज बोलने पड़े SO साहब और गणेश पांडे ज़्यादातर यही बोल रहे थे दोनों। और मेरी पगड़ी को तरफ पहुँचे हैं, हाथ लगाए एकदम मेरी पगड़ी गिर गई। फिर उसके बाद मेरे लड़के को उसके पकड़ तो उसके बालों पकड़ते हुए
अंदर की सीट ले गए और फिर अंदर जाके उसने इतना गलत व्यवहार किया कि मुँह से तक खेड़ी गई उनकी और बड़ा मारा, इतना मारा गया और मेरे ऊपर पुलिस खदेड़ती हुई मुझे, मैं अंदर धक्का लगता लेकिन मैं वहीं पर गिर पड़ा और लेडीज पुलिस ने मेरी थोड़ी सी सहायता की, उसने मुझे बाबा उठो 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 मुझे उठाया उसने पकड़ के, बहुत ज़्यादा निंदनीय और मैं अमृतधारी हूँ, पहले भी वारदाता हो चुकी है। हम ये मांग करते हैं कि मेरे लड़के को निर्दोष पकड़ा गया, उड़ सुड़ बदतमीज बोला गया, बदतमीज शब्द बोले गए, मुझे भी बदतमीज शब्द बोले गए और मेरे साथ बेअदबी की, अमृतधारी हैं चाहे कोई भी सिख है या हिंदू धर्म का कोई भी है, अगर बुजुर्ग को या किसी को भी बदतमीज बोलेंगे या उसको गेरेंगे नीचे गेरेंगे तो ये अच्छी बात थोड़ी है। एक रात की घटना है, किसी अभियुक्त को पुलिस पकड़ कर लाई थी और प्रधानपति उसकी पैरवी के लिए थाने आए तो प्रधानपति के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और जब प्रधान जी के पिताजी आए तो उनको भी जो है खदेड़ा गया थाने से, कुछ लोग और थे गांव के सम्मानित और उसमें एक 70 साल के बुजुर्ग हैं उनके पिताजी जिनकी पगड़ी उतर गई और पैरों के नीचे उनको रौंदा। इसके प्रति लोगों में रोष है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका मित्र पुलिस होने के बाद भी इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए वृद्धजनों के प्रति, तो उसको लेकर ऐसे जो लोग लगातार जिनकी पूर्व में भी शिकायतें मिली हैं कि लगातार उनका व्यवहार आम लोगों के प्रति सही नहीं रहा, अपराधी जेल जाने चाहिए, अभियुक्त उन पर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन समाज के सम्मानित व्यक्ति अगर पैरवी में थाने में आते हैं उनके साथ भी अगर इस तरह से, क्योंकि वीडियो है रात हमने देखा किस तरह से पुलिस धक्के मार रही है, गाली गलौज भद्र भाषा प्रयोग कर रही है, इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और पुलिस का जो है ये कर्तव्य नहीं है, पुलिस का कानून का व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि गाली गलौज और अभद्र भाषा बोले, इसको लेकर रोष है, संगत है, इलाके की इकट्ठी हुई है, अभी कुछ अधिकारियों ने आकर वार्ता की है। हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को जो समाज का माहौल ख़राब करते हों, जिससे क्षेत्र के अंदर शांति भंग होती हो, भले वो समाज का व्यक्ति हो या प्रशासन का हो या पुलिस का हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। 2 माह पूर्व एक जो है 323, 325, 504, 506 में जयरमपुरा काजी के 4 लोग इसमें थे, इनके खिलाफ जो है यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, तो बीच में जो है हमारा आईओ जो है वो बार बार गांव में जाने लगे तो जो उनको पता चला कि ये लोग जो है पंजाब किसी काम से चले गए हैं, वहाँ पर ये मजदूरी वगैरह का काम करते थे, कल जानकारी हुई कि ये लोग गाँव में लौट आए हैं, तो हमारे जो है आईओ के द्वारा जो है वहाँ चिता मोबाइल को उन लोगों को संदेश भेजा कि भाई आप लोग थाने में आ जाओ, आपके बयान होने हैं इसमें, और जो है अपना आधार कार्ड लेकर के आए, 41 का नोटिस यहीं से जारी करना था उनको, क्योंकि वांछितों के खिलाफ जो है कार्रवाई इस समय जो है हमारे DGP महोदय के द्वारा भी और DIG कुमाऊं रेंज के महोदय के द्वारा भी और कप्तान साहब के द्वारा भी किया गया था। तो जब उन लोगों को बुलाने के लिए हमारे चीता मोबाइल या उनको इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पर पहुँची तो ये ग्राम प्रधानपति हैं, इनके द्वारा जो काफ़ी विरोध किया गया कि भाई इस प्रकार से आप लोग जो है बिना पूछे ताछे मेरे बिना मर्जी के आप लोग इनको नहीं ले जाएंगे, तो उन लोगों को तो यहाँ थाने में बुला लिया था उनके बयानों के लिए, लेकिन जो है इन लोगों ने एक इशू बना लिया था और ये गांव के कुछ लोगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगे, वो अल्लाहबाजी करने लगे। बाद में जब जो है थाना में SO या यहाँ के स्टाफ के द्वारा इनको समझाया गया तो इनके आपस में जब घर जाने लगे धक्का मुक्की हुई तो जो ग्राम प्रधान पति हैं उनके पिताजी ज़मीन पर ऐसे गिर गए थे, वृद्ध आदमी हैं वो, तो ये आरोप पुलिस पर ये लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो है इनकी पगड़ी को निकाल दिया था, लेकिन कहीं पर भी ये ऐसा नहीं है, हमारे पास वीडियो फुटेज भी हैं, इन लोगों को मैंने भी ये भी कह दिया कि आप हमको इस प्रकार की वीडियो फुटेज दिखाएं, अगर हमारी कोई भी गलती है तो आप प्रार्थना पत्र दीजिए, तहरी दीजिए, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी मैंने इनसे वार्ता की है, अब इस पर शांति है, अब इसके बाद जो है फिर और बात इनसे करेंगे। जो है यहाँ पर हंगामा किया तो उसके बाद जो है उनके खिलाफ जो है एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इनके बेटे को भी अरेस्ट कर किया गया है यहाँ पर, जो ग्राम जो प्रधानपति है उनको, हाँ इनके खिलाफ जो है 4-5 मुकदमे इस थाने में जो है पंजीकृत हैं और इनके ऊपर गुंडा भी लगी हुई है। कहाँ हैं सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस, लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय मेरे रूम में।
देवरपन नमकीन को करीब। रामनगर में प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा से राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर विभागों को आपसी सामंजस्य बनाने का संदेश दिया। इस दौरान एसडीएम गौरव चटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में आए भूकंप के झटकों के बाद से सरकार पूरी तरह अलर्ट है। संवाददाता कैलाश व्याल की रिपोर्ट। देखिए, जैसे आपको विदित है कि पिछले कुछ समय में जो है भूकंप के झटके जो है वो उत्तराखंड में महसूस किए गए, दो बार ऐसा हो चुका है। तो उसी के मद्देनजर आज नैनीताल जिले में जो है इसके लिए एक मॉक ड्रिल यानी पूर्वाभ्यास किया जा रहा है कि सभी इससे ताकि सभी डिपार्टमेंट जो है ऐसी किसी भी आपदा में आपसी समन्वय करके रेस्क्यू है उसको ठीक प्रकार से कर सकें, लोगों के पास पहुंच सकें। तो उसी के लिए आज ये पूर्वाभ्यास में हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि भूकंप आ चुका है और एक जगह, क्योंकि ये पूर्वाभ्यास है तो इसको बहुत सारी जगह पर ना करके जगह चुनते हैं। वहाँ पे हमने ये माना है कि वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी, जैसे आप देख रहे हैं इंटर कॉलेज के पास आवासीय बिल्डिंग है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग जो है ये भूकंप क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें 30-40 लोग के फंसे होने की संभावना है। तो उसमें से अब ये सारी हमारी टीम यहाँ पहुँच के उसको रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल रही है और उसमें से कुछ जो जिस तरह की अवस्था होगी एज्यूम करते हुए कि जो कम घायल होंगे उनको यहाँ के हॉस्पिटल में, कुछ को हम जो है स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे और वहाँ से जो डॉक्टर की टीमें आगे तय करेगी कि उनको कहाँ किस तरह से मेडिकल एड देनी है। तो उसका ये प्रयास चल रहा है। अभी हम लोग, मैं इसे इंसिडेंट कमांडर यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ सीओ साहब और पूरे जो अन्य विभाग के लोग हैं जो उसमें सहायता कर रहे हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ से हम सबको रिकवर करके हम लोग कुछ लो जो है उनको स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे, कुछ को हॉस्पिटल भेजेंगे। तो इस तरह का पूर्वाभ्यास है ताकि रियल आपदा आने पर सभी विभागों के बीच आपसी समन्वय सही प्रकार से हो सके और आपदा का कार्य जो है वो सही प्रकार से किया जा सके। उत्तराखंड राज्य द्वारा वित्तीय हेल्पलाइन नंबर 1930 की शुरुआत पिछले साल की गई थी, जिसके तहत अभी तक कुल 14,643 शिकायतें दर्ज हुई हैं और वित्तीय साइबर हेल्पलाइन की मदद से आम जनमानस के करीब 3.73 करोड़ रुपए की धनराशि को बचाया जा सका है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा बैंकों, गेटवे, वॉलेट के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर मैनुअली पैसा रिफंड करवाने का भी प्रयास किया जाता है। नैनीताल दुग्ध संघ का 73वां वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन आज आयोजित किया गया, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ अवगुणा ने शिरकत की। अधिवेशन में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक सहित जिले के सभी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्धपालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत का काम, राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता कि अगर हम पॉलिसीज में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्धपालकों को फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे, जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने 1,22 करोड़ रुपये रिलीज करने का काम किया जैसे ही सरकार में आए, और जो अगले इस साल की जो प्रोत्साहन राशि है 4 रुपये 22 करोड़ रुपये वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है, तो ताकि हमारे दुग्धपालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ी सोसाइटी, जो सबसे बड़ी सोसाइटी हमारी है वो नैनीताल दुग्ध संघ है, और नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 61 करोड़ रुपये हमने केंद्र सरकार से दिलाने का काम किया है और उसका टेंडर होने वाला है बहुत जल्द, उसका हम शिलान्यास करेंगे। चंपावत दुग्ध संघ को बढ़ाने के लिए हमने 7 करोड़ रुपये वहाँ पर क्षमता बढ़ाने के लिए रिलीज़ किया है। तो एक कोशिश है हमारी कि उत्तराखंड के जो पशुपालक और दुग्धपालक हैं उनको लगातार सरकार उनके साथ खड़ी रहे। देखिए, वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है
और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है, और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपये अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे, और उसके बाद भी लगभग 1.5 करोड़ रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है, और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है, और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है, और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। खटीमा के मुख्य बाजार स्थित सहकारिता विभाग के कोऑपरेटिव बैंक की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जब एसडीएम ने वहां का निरीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि इस बिल्डिंग पर 2 लोगों द्वारा कई सालों से अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसके बाद एसडीएम ने एडीओ कोऑपरेटिव को बिल्डिंग पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों से बिल्डिंग खाली कराने और उनके खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जो कोऑपरेटिव बैंक कभी बैंक हुआ करता था और उसमें उनके आवासीय भवन थे, वहाँ पर 2 लोग नजायज रूप से रह रहे हैं, तो इसमें हमने यार कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि इसको तत्काल इनको खाली करवाएं, और क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है तो उसे डेमोलिशन के लिए भी कार्रवाई करें। ये कोऑपरेटिव विभाग हमें बताया गया कि इसके द्वारा कब्जा किया गया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई ये करेंगे। जसपुर की तराई पश्चिम वन प्रभाग की फोटो रेंज में प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंगल ने ट्री हाउस का उद्घाटन किया। इस मौके पर वन विभाग के आला अधिकारी रामनगर विधायक विष्ट समेत जसपुर पूर्व विधायक शैलेन मोहन सिंगल भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे 3 ट्री हाउस बनाने का प्लान है इसी फाटो जोन में, ताकि एक जगह जब 2-3 ट्री हाउस बन जाएंगे तो हम वो सुविधाएं दे पाएंगे जो लोगों को यहाँ पे चाहिए, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, मान लो कोई अपने स्टाफ और गाड़ी के साथ आता है तो स्टाफ को रुकने की है, और दूसरा है किचन, क्योंकि कोई भी आएगा तो एक आदमी के लिए खाना बनाने के लिए रखना या वो भी एक दिक्कत है, तो 2-3 ट्री हाउस होंगे इसमें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नव निर्वाचित उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह ने हल्द्वानी पहुंचकर कहा कि प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन, खत्ता निवासियों को बिजली पानी और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के उद्देश्य से काम किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश की कानून व्यवस्था, इसे थोड़ा सही हो जाए, मतलब ये सब की सुन ले, बड़ों की सुनती है, छोटे की अधिक नहीं सुनती है। और दूसरा जो भूमि वन विभाग में रह रहे हैं, वन उसमें रहते हैं वनों में, उन्हें कहीं दूसरी जगह भूमि मिली जाए, जो खत्तों में रह रहे हैं उन्हें खत्तों वालों को ये है उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, बिजली हो जाए, पानी हो जाए, उनके गरीब बच्चे हो, मजदूर आदमी हो, स्कूल में नहीं पढ़ा पाते उनके, थोड़ा 10वीं 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई फ्री हो जाए। और तीसरे मुद्दे, प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है अधिकतर, हम चाह रहे समाज कल्याण की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आ जा, उनमें में बच्चे लग लुग जा, अपना थोड़ा रोजगार मिलने लगे अधिकतर। हम केंद्र में सरकार के साथ हैं, माननीय मंत्री जी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रामदेव अठावले जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता भारत सरकार, हमने उनसे प्रार्थना की है जितने भी खत्तों में लोग बसे हुए हैं उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कोई कहीं पे बैठे, चाहे वो जंगलात में बैठे, चाहे फॉरेस्ट में बैठे, फॉरेस्ट पंचायत में बैठे, उनको बिजली पानी आपको मुहैया कराना ही पड़ेगा। तो हम यही मुद्दों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, भाई गरीब लोगों को आप घर दें। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ग्राम सभाओं में मोनोपोली हो रही है प्रधानों की, जो टाइटल हैं उन्हें कोई ना मकान मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और दूसरा राशन की बात है, राशन जो है आजकल 4 पहिया वाले 10 पहिया वाले वाहन वाले बीपीएल कार्ड में, और हम हमारे डीएम साहब से भी अनुरोध है जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और सही आदमी को जो टाइटल है उसको ये चीज़ें मुहैया हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरंगला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।